भाई उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। रानी क्या कर रही हो बेटा? दादी आई एम मेकिंग पेपर शूज। पेपर शूज? बट व्हाई? दादी आज हमारी मैम ने हमें पेपर शूज बनाना सिखाया। सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट। ये पेपर शूज कौन पहनेगा? आई एम मेकिंग इट फॉर माई डॉल। अरे वाह, आपकी मैम ने तो बड़ी अच्छी चीज बनानी सिखाई है आपको। दादी अब मेरा स्टोरी टाइम हो गया ना, मुझे स्टोरी सुनाइए। हाँ हाँ याद है मुझे, स्टोरी टाइम तुम कभी नहीं भूलती हो। वो तो है दादी, आपकी स्टोरीज इतनी इंटरेस्टिंग जो होती हैं। वैसे भी दादी मेरे पेपर शूज रेडी हो गए हैं, अब आप जल्दी से स्टोरी सुनाइए। ओके माय डियर, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी द मैजिकल शूज। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड गौरी। वह गांव में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। एवरी डे गौरी दादी की पूजा के लिए गार्डन में फूल लेने जाती थी। गार्डन में अक्सर गौरी फ्लावर्स और ट्रीज से बातें करती थी। उस दिन गौरी ने रोज से कहा, यू आर सो प्रिटी एंड फ्रेश, इसलिए मैं आपको नहीं तोड़ूंगी। आई एम गोइंग टू सर्च अनदर फ्लावर। एट द सेम टाइम गौरी ने देखा कि गार्डन में हर सिंगार के पेड़ के नीचे एक बनाना लीफ पड़ी है और उस पर बहुत सारे फ्लावर्स गिरे हुए थे। गौरी बिकेम हैप्पी और उसने वह सारे फ्लावर्स उठाकर अपनी बास्केट में रख लिए। और तभी गौरी ने देखा कि एक बेबी रैबिट बुश में उलझकर फंस गया है। फिर गौरी ने आगे बढ़कर उसे बुश से बाहर निकाला। गौरी वॉज टायर्ड, सो शी सैट डाउन फॉर रेस्ट। तभी वहां पर एक फॉरेस्ट गॉडेस अपीयर हुई। Do you know the forest goddess? No, Dadi. ये forest goddess क्या होती है? Forest goddess वन देवी होती हैं, जो सारे trees, flowers और animals की रक्षा करती हैं। Wow, Dadi. It seems that forest goddess बहुत powerful होती हैं। Yes, my doll. फिर क्या हुआ दादी? Have patience, you are so curious. फिर गॉडेस ने गौरी से कहा, तुमने बेबी रैबिट की जान बचाई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। I want to give you something. Tell me, what do you want? बेबी रैबिट को उस समय हेल्प की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे बचाया। गॉडेस मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉडेस ने देखा कि गौरी के पैरों में शूज नहीं हैं। उसके स्मॉल सॉफ्ट फीट रेड हो गए हैं। तभी गॉडेस कहती हैं, यू आर सो क्यूट, टेक दीज मैजिक शूज।
ये तुम्हारे फीट को सेफ रखेंगे, तुमसे बातें करेंगे और एंटरटेन भी करेंगे। गॉडेस की बात सुनते ही गौरी ने तुरंत मैजिक शूज पहने एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग। मेरे शूज सबसे न्यारे, इनमें लग गए हैं सितारे, मेरे संग संग सिंग करते को लगते बड़े प्यारे। जब गौरी उन शूज को पहनकर उनसे बातें करते और सिंग करते हुए घर लौट रही थी, तभी वहां पर बब्बन जो कि एक विकेट पर्सन था, इनोसेंट बर्ड्स को जाल में फंसा रहा था। वह गौरी की बातें सुनकर चौंक गया। गौरी, whom were you talking to? I was talking to my magic shoes. Talking to shoes? ये कैसे पॉसिबल है? यह सुनकर बब्बन वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वह उन शूज को पाना चाहता था, इसलिए वह शूज को स्टील करने के लिए प्लान बनाने लगा। He was waiting for a chance, जब वह उन मैजिक शूज को चुरा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गौरी टेम्पल जा रही थी, बब्बन फॉलोड हर। और जब गौरी बाहर शूज रिमूव करके टेम्पल के अंदर चली गई, तब बब्बन ने मौका देखकर वो शूज उठा लिए। जैसे ही बब्बन ने शूज पहने, शूज से मैजिकल साउंड निकलने लगी। और शूज ने बब्बन के पैरों को बाइट करना शुरू कर दिया। मैजिकल साउंड सुनकर गौरी केम आउट रनिंग। बब्बन को शूज पहने देखकर गौरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बब्बन पैनिक्ड, वह घबरा कर शूज वहीं छोड़कर भाग गया। गौरी ने खुशी खुशी वो शूज पहने और सिंग करते हुए वह अपने घर जाने लगी। मेरे शूज सबसे न्यारे, इनमें लग गए हैं सितारे, मेरे संग संग सिंग करते को लगते बड़े प्यारे। मेरे शूज सबसे न्यारे, इनमें लग गए हैं सितारे, मेरे संग संग सिंग करते को लगते बड़े प्यारे।